लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में बड़ी हलचल भी देखने को मिल रही है। कई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कई राजनेता जिस पार्टी को छोड़ रहे हैं उसे बर्बाद करने की बातें कह रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, दो चरणों के मतदान हो चुके हैं और इसके बाद भी तमाम राजनीतिक पार्टियों में हर दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है। एक बार फिर से राजद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि राजद पार्टी के साथ जो है प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर की हुंकार भरती है। दरअसल आपको बताते चले कि राजद से बागी हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने जन आशीर्वाद सभा में खुलेआम राजद सुप्रीमो को धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा है कि रविवार को कहा है कि पूरे बिहार में राजद को खत्म करने के लिए काम करेंगे, इसकी शुरुआत सारण से सभी सीटों पर होगी। साथ ही उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। महाराजगंज से पूर्व राजद प्रत्याशी रणधीर सिंह ने मशरक ने अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान किया। राज्य सुप्रीमो लालू यादव पर धोखे का आरोप लगाए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। दरअसल राजद की महाराजगंज सीट पर कांग्रेस के हिस्से में चली गई है। पूर्व सांसद और राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के बीच काफी अच्छी दोस्ती के बावजूद पूर्व विधायक रणधीर सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के परिवार पर राजद लालू यादव के रिश्ते से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसका नतीजा है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का परिवार राजद से नाता तोड़कर अपने दम पर महाराजगंज में ताल ठोकने की बात कह रहा है। मशरक में आयोजित जन आशीर्वाद सभा के दौरान पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा, मैं पूरे बिहार में राजद का विरोध करूंगा और इसकी शुरुआत सारण के 3 सीटों से होगा। आने वाले समय में पूरे बिहार में राजद का खेल खत्म कर देना है। प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार लालू यादव से नाराज है। प्रभुनाथ सिंह के रहते लालू यादव ने कभी भी उस परिवार की उपेक्षा नहीं की। प्रभुनाथ सिंह के जेल जाते ही लालू यादव का व्यवहार बुरी तरीके से बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो हैं वो लालू यादव और तेजस्वी यादव और राजद के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है पहले उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब से प्रभुनाथ सिंह जेल में गए हैं तब से उनके साथ देखिए किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, और इसीलिए अब वो हर जगह जाएंगे और इसकी शुरुआत सारण से करेंगे और वहां पर जाकर राजद को वोट न देने की अपील करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।